अमिताभ बच्चन के गॉड फादरों में से एक धर्मेंद्र की बात करें तो आज भी धर्मेंद्र की अमिताभ बच्चन बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। शोले में जय वाला किरदार धर्मेंद्र की बदौलत ही अमिताभ बच्चन को मिला था और इस फिल्म को करने के बाद उनके करियर को एक लंबी उड़ान मिली थी। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि धर्मेंद्र ने हमेशा से ही अमिताभ बच्चन की काफी ज्यादा मदद की है। एक बड़े भाई होने के नाते धर्मेंद्र हमेशा से अमिताभ बच्चन को आगे बढ़ना देखना चाहते थे। वही दूसरी ओर अमिताभ बच्चन भी धर्मेंद्र से बेइंतहा मोहब्बत भी किया करते थे और इन दोनों की दोस्ती के किस्से काफी ज्यादा वायरल भी रहते थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दरअसल धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल की शादी अभिषेक बच्चन के साथ होने वाली थी, लेकिन ये शादी होते होते रह गई। अगर ऐसा होता तो सनी देओल के जीजा अभिषेक बच्चन बन जाते। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल भी जानी मानी अदाकारा रह चुकी है। कई फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने शादी कमर बना लिया और 2012 में उनकी शादी हुई मशहूर बिजनेसमैन भरत तख्तानी से। आज मौजूदा दौर में उनकी दो बेटियां भी हैं। बताया तो गया कि ईशा देओल और भरत तख्तानी एक दूसरे को स्कूल के वक्त से ही जाना करते थे। बॉलीवुड में डेब्यू के बाद ईशा देओल और भरत तख्तानी ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था। लेकिन ईशा देओल की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया था जब उनकी माँ हेमा मालिनी बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता अभिषेक बच्चन से शादी करवाना चाहती थी। हालांकि ईशा देओल ने इसे साफ इनकार कर दिया था। अब ईशा देओल ने हेमा मालिनी और अभिषेक बच्चन से जुड़े इस किस्से को इंडिया फोरम को दिए इंटरव्यू में शेयर किया था। और इस इंटरव्यू में जब ईशा देओल से सवाल किया गया था कि करण जौहर को दिए इंटरव्यू में आपकी माँ ने साफ जाहिर किया था कि वह अभिषेक बच्चन जैसा दामाद चाहती हैं, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगी? और इस बात का जवाब देते हुए ईशा देओल ने उस इंटरव्यू में कहा था कि मेरी माँ सच में बहुत प्यारी है। उन्होंने अभिषेक बच्चन का नाम लिया क्योंकि उस समय वह मोस्ट एलिजिबल बैचलर थे। वह चाहती थी कि मैं किसी अच्छे इंसान के साथ अपना घर बसाऊं और ऐसे में उन्हें अभिषेक बच्चन ही सबसे बेस्ट लगते थे, लेकिन मैं अभिषेक बच्चन से शादी नहीं करना चाहती थी। ईशा देओल इसी इंटरव्यू के दौरान आगे अभिषेक बच्चन के बारे में बातचीत करते हुए कहती हैं, क्योंकि मैं उन्हें अपने बड़े भाई की तरह मानती हूं, इसलिए माफ करना माँ। हालांकि उस दौरान अभिषेक बच्चन के अलावा हेमा मालिनी को लेकर ये भी खबर आई थी कि वह विवेक ओबराय को अपना दामाद बनाना चाहती थी। हालांकि इस बारे में जब ईशा देओल से पूछा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। ईशा देओल ने विवेक ओबराय के बारे में बातचीत करते हुए कहा था कि माँ भी पता नहीं क्या क्या सोचती है, विवेक तो बिल्कुल भी नहीं, वह मेरे टाइप के नहीं है। बताना चाहेंगे कि एक पुराने इंटरव्यू में ईशा देओल ने कहा था कि बॉलीवुड के किसी भी हीरो को वो अपने पति या बॉयफ्रेंड के रूप में नहीं देखना चाहती हैं। ऐसे में उन्होंने जाने माने बिजनेसमैन भरत तख्तानी से शादी कर लिया क्योंकि वो उन्हें स्कूल के टाइम से जाना करती थी और फिल्मों में आने के बाद ईशा देओल उन्हें लगातार डेट भी कर रही थी। ऐसे में उन्होंने 2012 में उनसे शादी कर ली।